नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट लेकर आ गए हैं। यह दोस्तों दिल्ली मेट्रो ने आज एक ऑफिशियल अपडेट जारी किया, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है अपनी वेबसाइट पर। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखेगा CRA RNE 10 पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों हम नोटिस पर आ चुके हैं और जैसा कि यहाँ पर नोटिस में लिखा है, ऑफिशियल नोटिस है, आज की ही डेट का नोटिस है जिसको दिल्ली मेट्रो ने जारी किया है। ग्राहक संपर्क सहायक यानी CRA कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर RNE 10 के लिए भर्ती संबंधित सूचना जारी की है। इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या जो दिल्ली मेट्रो ने निकाले गया था, ग्राहक संपर्क सहायक CRA RNE 10 पद की कार्यवाही को प्रशासनिक कारणों की वजह से आगामी नोटिस तक स्थगित कर दिया गया है, स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों ये फिलहाल अभी जो RNE 10 की वेक पोस्ट निकाली गई थी जिनके एग्ज़ाम्स हुए थे फरवरी में, उसको फिलहाल के लिए पोस्ट को अभी स्थगित कर दिया गया और तथा बाद में ये आवश्यकता की समीक्षा के बाद अधीन होगा। अब दोस्तों दिल्ली मेट्रो का साफ कहना है कि फिलहाल CRA RNE 10 पोस्ट को स्थगित कर दिया गया है और बाद में जब फ्यूचर में इन्हें रिक्वायरमेंट होगी, रिव्यू इस वैकेंसी को रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा। फिलहाल के लिए अभी इस वैकेंसी को स्थगित मानिए। तो दोस्तों एक तरह से ये कैंसिल का हम नोटिस कह सकते हैं, बट ये पूरी तरह से दिल्ली मेट्रो ने साफ कैंसिल नहीं कहा है, बट ये फिलहाल वैकेंसी कैंसिल है क्योंकि दिल्ली मेट्रो को बहुत भारी नुकसान चल रहा है क्योंकि मेट्रो भी नहीं चल रही है और साथ ही साथ जो उसके पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी भी सैलरी देनी पड़ रही, तो इसलिए दिल्ली मेट्रो अपनी वैकेंसीज में कटौती कर रहा है। दोस्तों इस नोटिस का आप PDF हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दिल्ली मेट्रो की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके लिखिए क्या आपने CRA का एग्ज़ाम दिया था।